दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए फरवरी 2022 में होने वाली 6 बड़ी भर्तियों की अपडेट लेके आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, 6 भागों में बम्पर भर्तियों की अपडेट आ चुकी है। सभी भर्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आपसे फरवरी 2022 में मंगाए जाएंगे। 60,000 से अधिक वैकेंसीज निकली है जिनके लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन पत्र मंगाए जाएंगे। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे कि किन किन 6 विभागों के अंतर्गत ये भर्तियां होने जा रही है, किस पोस्ट के लिए कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज है, क्या पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप इन भर्तियों की ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रही हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं फरवरी 2022 की टॉप 6 भर्तियों की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट नंबर की जो जॉब निकली है वो निकली है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में, कर्मचारी चयन आयोग SSC के अंतर्गत ये बम्पर भर्ती की अपडेट है। पोस्ट है यहाँ पर लोअर डिवीजन क्लर्क LDC या जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट JSA, पोस्टल असिस्टेंट PA या सोर्टिंग असिस्टेंट SA, डाटा एंट्री ऑपरेटर DEO, डाटा एंट्री ऑपरेटर DEO ग्रेड A की। बात अगर यहाँ पर एग्जाम की जाए तो ये भर्ती होगी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन के माध्यम से। जी हाँ दोस्तों, CHSL 10+2 एग्जामिनेशन के माध्यम से भर्ती की जाएगी। वैकेंसी यहाँ पर 4,000 से अधिक निकली है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बात अगर इंपोर्टेंट डेट्स की जाए तो इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 1 फरवरी 2022 से शुरू होगी। जी हाँ दोस्तों, फरवरी 2022 की बड़ी भर्ती की अपडेट है। 1 फरवरी को ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होंगे इस भर्ती के लिए। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 7 मार्च 2022 है। यहां पर एग्जाम डेट की बात की जाए तो मई 2022 में इसका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। यहां पर सैलरी की अगर बात की जाए तो लोअर डिवीजन क्लर्क LDC या जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट JSA के लिए 19,900 से 63,200 लेवल 2 के अंतर्गत सैलरी प्रोवाइड की जाएगी, और पोस्टल असिस्टेंट, सोर्टिंग असिस्टेंट और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 25,500 से 81,100 सैलरी है लेवल 4 के अंतर्गत। बात अगर इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जाए तो यहाँ पर 12वीं पास यानी कि इंटरमीडिएट पास कैंडिडेट इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 18 से 27 वर्ष है। एप्लीकेशन फीस जनरल या OBC कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 100 रुपये है। SC ST फीमेल EX सर्विसमैन के लिए कोई भी फीस जमा नहीं करनी होगी। पेमेंट आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से कर सकते हो। सिलेक्शन होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के आधार पे। अप्लाई आप ऑनलाइन कर सकते हो। ऑल ओवर इंडिया से, भारत के किसी भी राज्य से आप आवेदन कर सकते हो। महिला और पुरुष दोनों कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। SSC.NIC.IN ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो सेकंड नंबर पर जॉब निकली हुई है वो है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के अंतर्गत ये भर्ती है। हेड कांस्टेबल GD की पोस्ट है। 249 वैकेंसीज है। बात अगर इंपोर्टेंट डेट की जाए तो लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 31 मार्च 2022 है। नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए लास्ट डेट अप्लाई करने की 7 अप्रैल 2022 है। सैलरी की बात की जाए तो 25,500 से 81,100 है प्रति माह के लिए। इसमें भी क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो 12वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 18 से 23 वर्ष है। एप्लीकेशन फीस UR या OBC के लिए 100 रुपये है। SST फीमेल के लिए कोई भी फीस नहीं है, जो कि आप पोस्टल ऑर्डर या डिमांड ड्राफ्ट से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, डॉक्यूमेंटेशन, ट्रायल टेस्ट और प्रोफेशनसी टेस्ट के आधार पर बिना एग्जाम के भर्ती है। फिजिकल की बात की जाए तो हाइट ऑल कैंडिडेट्स के लिए, मैन के लिए 167 सेंटीमीटर है, वोमेन के लिए 153 सेंटीमीटर है। चेस्ट यहाँ पर ऑल कैंडिडेट्स के लिए, मैन के लिए 81 से 86 है, वोमेन के लिए यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है। हाइट ST कैंडिडेट्स के लिए, मेन के लिए यहाँ पर 160 है, वोमेन के लिए यहाँ पर 153 सेंटीमीटर है। चेस्ट ST कैंडिडेट्स के लिए ओनली, मैन के लिए 81 से 86 सेंटीमीटर है। ऑफलाइन तरीके से आप आवेदन कर सकते हो। ऑल ओवर इंडिया से, किसी भी राज्य से मेल और फीमेल बोथ अप्लाई कर सकते हैं। CISF.gov.in और CISF recruit.in की ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हो।
उसके बाद दोस्तों जो थर्ड नंबर की जॉब है वो है पुलिस डिपार्टमेंट में, पुलिस विभाग में बम्पर भर्ती की अपडेट है। कॉन्स्टेबल की पोस्ट है, 25,000 वैकेंसीज है। बात अगर इंपोर्टेंट डेट की जाए तो ऑनलाइन आवेदन फरवरी 2022 से स्टार्ट होंगे। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की मार्च 2022 में है। सैलरी 21,700 से 69,100 है। 12वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट मेल के लिए 18 से 23 है, फीमेल के लिए 18 से 26 वर्ष है। एप्लीकेशन फीस ऑल कैंडिडेट्स के लिए 400 रुपये है, जो कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और बैंक चालान से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन होगा रिटर्न टेस्ट और फिजिकल टेस्ट के आधार पे। बात अगर फिजिकल की जाए तो इसमें हाइट मेल जनरल ओबीसी एससी के लिए 168 सेंटीमीटर है, मेल एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर है। फीमेल जनरल ओबीसी एससी के लिए 152 सेंटीमीटर है, फीमेल एसटी कैटेगरी के लिए 147 सेंटीमीटर है। चेस्ट यहाँ पर मेल जनरल ओबीसी एससी के लिए 79 से 84 सेंटीमीटर है, मेल एसटी के लिए 77 से 82 सेंटीमीटर है। फीमेल के लिए यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है किसी भी कैटेगरी के लिए। रेस की बात की जाए तो मेल के लिए 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में, जबकि फीमेल के लिए 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। ऑनलाइन तरीके से आप आवेदन कर सकते हो। यूपी उत्तर प्रदेश जॉब लोकेशन है upbpb.gov.in, ये इसकी ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो फोर्थ नंबर की जॉब है वो निकली है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, शिक्षा विभाग के अंतर्गत असिस्टेंट टीचर सहायक अध्यापक की बम्पर भर्ती की अपडेट है। 17,000 वैकेंसी यहाँ पर निकली है। जी हाँ दोस्तों, इस भर्ती के लिए आवेदन स्टार्ट होंगे फरवरी 2022 से। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की मार्च 2022 में है। सैलरी यहाँ पर 9,300 से 34,800 है प्रति माह के लिए। क्वालिफिकेशन की अगर इसमें बात की जाए तो बैचलर डिग्री, साथ में बीएड या डीएलएड, बीटीसी एग्जाम, प्राइमरी लेवल यूपीटीटी या सीटीटी एग्जाम पास से आप अप्लाई कर सकते हो। 21 से 40 वर्ष यहाँ पर आयु सीमा है। जनरल ओबीसी के लिए 600, एसएसटी के लिए 400 रुपये फीस है और पीएच कैंडिडेट को फीस जमा नहीं करनी होगी। सिलेक्शन एग्जाम के आधार पे होगा, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। यूपी उत्तर प्रदेश जॉब लोकेशन है। जी हाँ दोस्तों, इस गवर्नमेंट पोर्टल से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो 5 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है रिवेन्यू डिपार्टमेंट में, राजस्व विभाग के अंतर्गत लेखपाल की भर्ती है। 7,896 वैकेंसी निकली है। फरवरी 2022 से मार्च 2022 तक आप आवेदन कर सकते हो। सैलरी 21,700 से 69,400 है, ग्रेड पे 2,000 है। 12वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष आयु सीमा है। जनरल ओबीसी के लिए 185 रुपये फीस है, एसएसटी के लिए 95, पीएच के लिए 25 है, जो कि आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन रिटर्न एग्जाम से होगा, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। यूपी उत्तर प्रदेश जॉब लोकेशन है। upcc.gov.in पोर्टल से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो 6 और लास्ट नंबर की जॉब है वो निकली एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में, कर्मचारी राज्य बीमा निगम इसी के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। पोस्ट है यहाँ पर मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस, अपर डिवीजन क्लर्क यूडीसी, स्टेनोग्राफर की। टोटल यहाँ पर 3,865 वैकेंसीज है। एमटीएस के लिए 1964, यूडीसी के लिए 1736, स्टेनो के लिए 165 वैकेंसीज है। लास्ट डेट ऑनलाइन करने की 15 फरवरी 2022 है। सैलरी की बात की जाए तो एमटीएस के लिए 18,000 से 56,900 है, यूडीसी स्टेनो के लिए 25,500 से 81,100 है। 10वीं पास, 12वीं पास और डिग्री पास अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 25, 18 से 27 वर्ष आयु सीमा है। जनरल ओबीसी के लिए 500 रुपये फीस है, एसएसटी पीएच फीमेल के लिए 250 रुपये फीस है, जो कि आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन होगा इसमें रिटर्न एग्जामिनेशन और स्किल टेस्ट के आधार पे, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। ऑल इंडिया से आप आवेदन कर सकते हो। isic.nic.in ये इसकी ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी फरवरी 2022 में होने वाली 6 बड़ी भर्तियों की पूरी जानकारी। अगर आपको बिन भर्तियों के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहीं से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो और अप्लाई भी यहीं से कर सकते हो, लिंक यहीं पर दिए गए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी ही बिग अपडेट अपलोड करते हैं।